तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन प्लैटिनम को। सो गाइस, लास्ट टाइम हम आए थे सर्वाइवल एरिया में और यहाँ पर हमारी बैटल हुई थी बायरन से, जिम लीडर जो कि, और आज हम जाने वाले हैं हीड्रेन को पकड़ने के लिए। ये हमारे लेजेंडरी पोकेमोन हंटिंग की आज से शुरुआत होने वाली है, तो आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज से हम लेजेंडरी पोकेमोन की हंटिंग करेंगे। जितने भी लेजेंडरी पोकेमोन हैं अब सबको हम पकड़ने वाले हैं। देखते हैं और हमारी जर्नी ये कैसी रहती है, कैसे क्या होता है सब कुछ। तो यहाँ पर आज मैं कुछ पोकेबॉल्स को खरीदने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने क्या खरीदनी। ओ 29 तो मेरे पास में पहले से हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज्यादा भी जरूरत है। मैं रिवाइव्स को खरीदने वाला हूँ भाई, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। और गाइस ना, मुझे थोड़े बहुत लेवल की और जरूरत है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है हम ट्रेनिंग करवा दें। और यहाँ पर पोकेमोन कॉन्टेस्ट भी है, जो कि मैंने पोकेमोन लीग अभी खेली ही नहीं है, तो नेक्स्ट एपिसोड या तो देखते हैं लेजेंडरी हंटिंग के बाद में शायद हम लोग करें ये सब। पहले मैं लेजेंडरी हंटिंग को कंप्लीट करने वाला हूँ, मुझे सच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है भाई। आई थिंक हम यहाँ से आए थे, हमें दोबारा यार उसी वाले एरिया में जाना है, तो जल्दी से चलते हैं इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करके। देखते हैं हीड्रेन कहाँ पर छुपा हुआ बैठा है। उस पूरे एरिया को दोबारा से हमें कंप्लीट करना होगा भाई, कितनी खतरनाक जगह थी वो मेज वाली। लेकिन अब तो हमें रास्ता पता है, तो शायद हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। ओ नाइस, यहीं से आए थे ना। हाँ यहीं से आए थे, इतना मेज भरा एरिया था ना। और आई थिंक गाइस, इस वाले गेम में कुछ नए लेजेंडरी पोकेमोन्स भी हैं जो कि दूसरे जनरेशंस में नहीं थे, तो उन्हें भी पकड़ने में मजा आने वाला है। और मैं सही जा रहा हूँ ना भाई? हाँ शायद हम लोग सही जा रहे हैं, बहुत सही, यहाँ पर आराम से, बहुत सही। अरे नहीं यार, हमें बैटल करनी होगी। चलो यहाँ तो आ गए हम आराम से, बहुत सही निकल गए। और अब यहाँ से निकलते हैं, ये रहा रास्ता, शायद हम यहीं से गए थे पिछले बार। हाँ यहीं से गए थे भाई, काफी लंबा रास्ता है यार, बहुत घूम घाम के जाना पड़ता है। आई थिंक ये वाला, ओके सही है, चलो हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। भाई कितनी तेज चल रही है बाइसिकल, बहुत सही। मैं भी यही वाला एरिया था। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, यही एरिया था वो। और यहाँ पर दोबारा जाना होगा एक बार फिर से पजल्स वगैरह को सॉल्व करके, लेकिन इस बार आसानी होगी बिकॉज हमें पहले से पता है आखिर करना क्या है एग्जैक्टली। बस आज हीटरिन के पास पहुंच जाए कैसे भी करके, और फिर उसे पकड़ेंगे। यहीं से देखते हैं, यहीं से गए थे ना। हाँ यहीं से गए थे, एकदम सेम एरियाज हैं। और मे भी नीचे यहाँ से ऊपर, ओके इसे तोड़ कर। और आज हम गाइस जल्दी भी जा पाएंगे, पिछले बार क्या है ना, हमारे साथ में बग था जिसकी वजह से हम रॉक क्लाइंब वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम अकेले हैं तो आराम से चलेंगे पत्थरों की चढ़ाई करके डायरेक्ट शॉर्टकट से, जहाँ से आए हैं ना वहीं से जाने वाले हैं। एक बार फिर से रिपेल्स। और बहुत ही जल्दी यार पोकेमोन ज़ेनोवर्स के नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं, सो मेक श्योर तुम लोगों ने पुराने एपिसोड देख लिए हों। और हम बहुत ही जल्दी कंटिन्यू करेंगे यार, एक बार पोकेमोन प्लैटिनम फिनिश हो जाए उसके बाद हम लोग रेगुलर खेलेंगे। पोकेमोन प्लैटिनम मुझे जल्दी से जल्दी फिनिश करना है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे न्यू गेम्स भी स्टार्ट करने हैं। मैं चाहता हूँ ना यार, एक सीरीज पहले अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सीरीज खेलें, क्योंकि यार एकदम से दूसरा गेम स्टार्ट करना सही नहीं होता, फिर हम पिछले वाले गेम्स पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। और पुरानी सीरीज ऐसी पड़ी रह जाती हैं, उसके बाद में कोई खेलते ही नहीं है, तो मेक श्योर यार हम लोग पहले पुराने गेम्स को कंप्लीट कर लें जो कि ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक बैटल होगी क्या मेरी? नहीं, पहले ही कर चुके थे हम, यहाँ से तो हम आए थे और शायद यही वाला रास्ता है। देखते हैं हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। हाँ हम सही हैं एकदम, लेकिन शायद यहाँ से आने का एक शॉर्टकट भी था लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया। देखते हैं, शायद ना गाइस यहाँ से आने का एक शॉर्टकट था लेकिन मैंने इसका यूज नहीं किया, मैं फिर से उसी लॉन्ग वाले रास्ते से आ गया हूं। पर क्यों? आई थिंक हाँ यार, वो साइड से एक शॉर्टकट है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम सही आए हैं। और गाइस हमारे सामने है हीट ट्रेन, जिससे आज हम बैटल करने वाले हैं लेजेंडरी पोकेमोन।
तो चलो गाइस यहाँ पर हम लोग चैलेंज करते हैं हीट ट्रेन को। गोवु गोवु यहाँ पर देखते हैं क्या है भाई। आ गया हमारे सामने हीट ट्रेन। कारचोम कम ऑन। मैं कोशिश करूंगा इसे फेंटेड ना कर दूं। प्लीज फेंटेड बस मत होना। इतनी हेल्थ ठीक ठाक ही गई। एक बार ड्रैगन क्लॉ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस पेंटेड मत होना हीट ट्रेन। बहुत सही, इतनी हेल्थ एकदम काफी है। और एक बार हम लोग क्रंच का और यूज कर लेते हैं जिससे थोड़ी और हेल्थ चली जाएगी और एकदम परफेक्ट होगा फिर भाई। देखते हैं, बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही, बहुत ही सही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है भाई। यहां पर अब करते हैं पॉकी बॉल्स का यूज, अल्ट्रा बॉल्स। इससे ज्यादा हेल्थ कम नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर हमने एक भी अटैक किया ना तो फिर ये खत्म। ओ हीट ट्रेन, स्कैरी फेस। हमारे गार्चोम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कोई, वो अटैक कितने भी कर ले भाई। और पता नहीं यार कितनी देर लगने वाली है इसे पकड़ने में, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है हीट ट्रेन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। कहा जाता है यार ये पोकेमोन ना पूरा लावा से बना है, मतलब इसी का जन्म ही यार वॉल्केनोस में हुआ है इस वाले पोकेमोन का। और ये तब का पोकेमोन है जब ना जब पोकेमोन्स की शुरुआत हुई थी, मतलब बहुत हजारों लाखों साल पुराना पोकेमोन है ये, जो कि इतने सालों से सिर्फ वॉल्केनोस में सोया हुआ था जब तक इसे किसी ने उठाया नहीं। इसके स्टोन के उठने की वजह से ये जाग चुका है और इसे पकड़ने हम आ गए हैं। देखते हैं भाई, प्लीज आजा। अरे नहीं आया यार, हम इतने आसानी से कैसे सोच सकते हैं कि ये पकड़ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। और यहां पर देखते हैं अल्ट्रा बॉल एक बार फिर से। कम ऑन हीट ट्रेन कम ऑन, अच्छा वाला खाना देंगे। नहीं आ रहा, एक बार फिर से। कोई ऐसी बॉल होनी चाहिए जो कि लेजेंडरी पोकेमोन्स के लिए स्पेशल हो। है एक ऐसी बॉल, उसे मास्टर बॉल कहते हैं, लेकिन उसका यूज गाइस हम आरसीएस को, जैसे आरसीएस को पकड़ने के लिए करेंगे क्योंकि आरसीएस को पकड़ना डिफिकल्ट होने वाला है। यहां तक कि यार मैंने मैस्प्रेड को पकड़ने के लिए भी मास्टर बॉल का यूज नहीं किया। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये चीज बोल रहे थे कि मास्टर बॉल का यूज कर लेना, वो एक बार में पकड़ में आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, हमें मास्टर बॉल आरसीएस जैसे पोकेमोन को पकड़ने के लिए करेंगे। ओ नहीं 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 नहीं, इतने आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला भाई, मैंने सोच भी कैसे लिया। हीट ट्रेन क्रेजी है एकदम। तो यहां पर नेक्स्ट पोकेमोन प्लीज। ब्लेज शायद थोड़ी देर तक तो होल्ड कर ही ले बिकॉज वो भी फायर टाइप है और सामने वाला भी फायर टाइप। हीट ट्रेन कम ऑन। ओ भाई नहीं, अभी तक नहीं। लेजेंडरी पोकेमोन्स की हंटिंग उतनी भी ज्यादा आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। अभी तक कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक या दो बॉल से पकड़े हैं, लेकिन हमेशा नहीं होती ये चीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नहीं इतने जल्दी नहीं। हीट ट्रेन इज सो स्ट्रॉन्ग पोकेमोन। और इसका लुक देखो गाइस तुम लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेंढक हो हीट ट्रेन, कोई बड़ा सा मेंढक, अजीब टाइप का मोटा वाला मेंढक। ओ नाइस भाई, क्या कर रहा है हीट ट्रेन? लावा प्लूम। भाई कितनी हेल्थ गई, ठीक ठाक ही चली गई टाइप के एडवांटेज के ना होने के बाद भी। देखते हैं यार इसके बाद में कितने क्या, कौन से लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ेंगे। पहले तुम लोग बताओ पोकेमोन लीग खेलनी चाहिए या नहीं? वो क्या था, पोकेमोन लीग था या कॉन्टेस्ट था? बैटल फ्रंटियर। ओके बैटल फ्रंटियर, तुम लोग मुझे बताओ क्या मुझे बैटल फ्रंटियर खेलना चाहिए या नहीं कमेंट्स में गाइस, आज ये चीज मुझे बताना। और मुझे यार एक और चीज बताओ। अच्छा तुम लोग, यार मैं पॉकी क्विज खेलने के बारे में सोच रहा था और यहां पर हम लोग ने हीट ट्रेन को पकड़ ही लिया। हीट ट्रेन हमारे पकड़ में आ चुका है फाइनली। उतना भी टाइम नहीं लगा जितना मैंने सोचा था कि इसे लगेगा। चलो बढ़िया है।
गाइस तुम्हारी पॉकी क्विज ये है आज की। तुम्हें ये बताना है कि पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल और प्लेटिनम में कितने लेजेंडरी पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारी आज ये पॉकी क्वेस्ट है तुम्हें बताना है, और यहाँ पर एक बैटल हो सकती है हमारी। ये रही एस्केप रोप्स, तो यहाँ से निकलते हैं एस्केप रोप्स का यूज करके। फालतू में इतना लंबा कौन जाए भाई। और गाइस यहाँ से हम लोग बाहर आ गए, तो गाइस यार लगता है मुझे आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने जाने वाले हैं, तो यार वीडियो में लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये वाली कीव एकदम कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली हमारे पास में ही ट्रेन एक लेजेंडरी पोकेमोन। सो नेक्स्ट बार देखेंगे हम कौन से लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने जाएंगे, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना कि हमें कौन से लेजेंडरी पोकेमोन से पकड़ने जाना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी कौन से लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं। तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा सही कौन सा है, और इजी कौन सा है, मजा किस में आएगा, और टोटल कितने हैं मुझे एक बार फिर से बताओ। टोटल इस वाले गेम में कितने लेजेंडरी पोकेमोन्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनके नाम भी बता देना, क्योंकि नाम बताओगे तो मेरा एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ने वाला है, उनके नाम पढ़ने में मजा आएगा। सो गाइस यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हम लोग इस एपिसोड को खत्म करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आखिर हमें जाना कहाँ पर है। तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।